सबको 8-10 दिन हो गए थे, और उसके बाद मेरे एक साल की बात होगी होगी लगभग, होगी ना एक साल की। हाँ भाई, बात यह है कि उस टाइम पे मैं डीसी तक खुद मिला था, वहां पे जो टीम थी मिले थे, पूरा प्रशासन वहां पर आया हुआ था, और डीसी साहब ने मेरे सामने मुआवजे की भी बात करी थी। मेरे ख्याल में 10-12 लाख रुपए की बात हुई थी, है ना, कितने मिले उसमें थे, उसमें थे 6 लाख मिले। एक नौकरी की बात हुई थी, नौकरी नहीं मिली। फिर नु बात हुई थी मुख्यमंत्री साहब दबे, बात करके बहुत जल्दी इसको निमटा देंगे इस समस्या को। मुख्यमंत्री जी आपके एक बार बताओ है, आए भी थे, झंडा फहरा के गए थे कोई 2018 में, उस टाइम की जो बात है मेरे तो ध्यान है वे। अब एक बात बताओ, मोटी बात है भाई, जब डीसी झूठा, उस टाइम का जो डीसी था वो झूठ बोल के गया, सीएम है वो नु कह रहा मैं समस्या समाधान कर दूं, आज तक नहीं करी, तो भरोसा किस पर करे, कोई भी आदमी है, कोई भी इंसान है, और कित जा होगा बताओ सिस्टम में। ये जो पहले आले अंग्रेज जो हारते ये उनसे भी खतरनाक है भाई। एक बात बताओ, मैं तो जो और साथी है देख रहे हैं, ये सीआईडी वाला भाई भी आ रहा है, जाके अपने मुख्यमंत्री ने बताओ रहा इतनी बेशर्मी क्यों कर रहा है, के इस बेशर्मी में मतलब रोनात गांव के लोगों ने कौन सा पाप कर दिया कि अंग्रेज वाला लड़के जो स्थिति है उस तेन लागेगा, आप लोगों ने पाप कर दिया बहुत बड़ा। अंग्रेजा ने कितने आदमी मारे थे गांव के भाई उस टाइम पर, इतने आदमी जब अंग्रेजा ने मारे उड़े, कुएं में पड़ गए लोग, ये तो कोई नू तो है नहीं, 1000 साल पुराना इतिहास है। हाँ बता, छोरी बहुए भी कुएं में कूद गई थी या बुढ़िया, मेरे ख्याल में कई साल की है वो, रही होगी 70-75 की है। हाँ तो बताओ, तो बात ये सामान्य बात नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम के लिए है कि एक बार भाई एक गांव नू मांग रहा है राम हमना आजादी दे दो भाई, मारा भी कुछ तो होगा है इस धरती पर आए थे, दे इसका मतलब जो अंग्रेज अपनी कलम तक लग गए वही कलम आज भी चल रही है। और मैं तो ये कहूंगा ये अकेले रोनात गांव का, रोनात गांव तो बागी गांव था, लड़े थे, हम तो सलूट करते हैं आपके गांव को, आप लोगों ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजा के खिलाफ, जिन अंग्रेजा की नमस्ती करी थी, पिंडी चाटी थी, उन्हें तो बड़े बड़े मुर्गे मुर्गे मिलने थे, और आप लोगों की जमीनें छीन ली गई। इवे जो गोरे अंग्रेज थे उनने तो जो करना था कर दिया, इवे ये कौन से अंग्रेज हैं भाई ये बताओ ना, ये काले अंग्रेज हैं कि नहीं है, अरे ये काले अंग्रेज हैं, अरे भाई बिल्कुल बेशर्मी की हद है। कोई भी आदमी ऊंखा मखा नहीं मरा, वो अपने लिए तो कोई स्पेशल मेरे ख्याल में बैठा नहीं था, अगर भाई नू कहता हो भाई मेरे छोरे की नौकरी नागरी लगवा दो, इसी तो कोई बात नहीं थी, गांव के लिए बैठा था, मान सम्मान के लिए बैठा था। जो वो लिख के गए हैं, मैंने तो खबर देखी थी, आज मैं इसलिए आया, इसमें साफ लिख रखा है जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बता रखी है, जिम्मेदार बता रखा है, और इसमें सबसे बड़ी एक जो बात लिख रखी है वह लिख रखी है कि 1 लाख रुपये मांगेंगे। 1 लाख रुपये किस चीज के मांगेगा भाई, डॉक्यूमेंट के? 1 लाख रुपये मांगने का मतलब क्या है? हाँ अच्छा, तो मुख्यमंत्री ने न्यू बताया, जो मुख्यमंत्री ईमानदारी का मोड़ बांधे घूमे जा हरियाणा, क्या का मोड़ बांधे घूमे जा, 1 लाख रुपये रिश्ते सरेआम गांव पे लेने लग रहे, एक आदमी की बात थोड़ी थी,
गांव के रिकॉर्ड के लिए 1 लाख रुपया, यही बात होगी ना जी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो वे तो होंगे, और कौन होगा जिम्मेदार? है या फांसी को ना खा रखी उसने, फांसी दे रखी है उसने, दे रखी है नू को ना तक आदमी ने लठ मारना है जरूरी है आगरा है। आदमी ने मानसिक रूप से भी मारा जा आगरा है, गोली मार के मारने की बजाय मानसिक रूप से भी मार दिया आदमी ने। और हम तो पिछली बार हमने तो इसलिए कुछ टाइम पर जब डीसी वहां पर था तो डीसी ने जब ये बातें कही थी वहां और भी बहुत साथी थे, गांव के लोग भी थे, सब तेन कही थी कर देंगे समाधान। नु कितने एक दिन ताई मरोगे? बात यह भी है कितने एक दिन ताई लड़ोगे? तो लड़ाई तो ढंग तो होनी चाहिए और हम आपकी लड़ाई में साथ हैं। उन्होंने बलिदान दिया, मैं तेन मानूंगा बलिदान है ये, और ये दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य में सारे शामिल है, हम भी इसका मतलब लोग भी आड़न निकम्मे निठल्ले हैं, जो लोग पूरा का पूरा जब गांव को वो बना रखा है तो सबको उतरना चाहिए, सबको लड़ाई लड़नी चाहिए। अरे ये जो इतने नेता दौड़ कपड़िया हांड है, ये कित जाओ है? ये आया है कि कोई सा है? कोई नहीं आया है। ते बहनी में नेता मर के गए है, पक्ष के विपक्ष के कोई तो होंगे, अक वोट वोट मांगने के टाइम पाना इन्हें तो जी। ऐसा है हमारी तरफ से तो सीधी बात यह है, जैसे आप लोग जिम्मेदारी लाओगे, जो ड्यूटी लाओगे, आप लोग जिस तरह कहोगे, हम तो ये मानना है इससे बड़ी दुर्घटना कह लो, दुर्भाग्य कह लो, कुछ भी कह लो। और ये बात ये मैं जितने और भी साथी देख रहे हैं सुन रहे हैं, भाई हरियाणा में एक ऐसा गांव है जो आज भी गुलाम है। वो गुलाम इसलिए है कि अंग्रेजों के टाइम पे उन्होंने अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी, ये उनका कसूर था। अंग्रेजों ने उनके नाम कोई जमीन नहीं करी, उनको बिना जमीन के छोड़ दिया गया, और वो गांव अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। तम हो रहे हो गए भाई जो सुननिया आजाद हो रहे हो गए। यो रोहनाथ गांव है, हल्का मेरे ख्याल भवानी खेड़ा है, हल्का है भवानी खेड़ा, रोहनाथ गांव है। आज भी ये गुलाम है, इसके नाम कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं है आज भी। और झंडा भी मेरे ख्याल में एक बार मुख्यमंत्री आया था, मुख्यमंत्री आया था, वह जमीन इनके नाम नहीं है जो झंडा फहराना आया था। और मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने ये बात कही थी, अगर भाई थारा सारा जो भी समस्या है, तारी जो भी डिमांड है, वो सारी पूरी कर दी जाएंगी। ये 2018 की बात है, एक उसके ऊपर इलेक्शन हो भी लिया, आज लगभग 5 साल हो गए। इसमें 2 लोग अपनी शहादत दे चुके हैं, उससे पहले संतलाल जी वहां गांव में ही उनकी भी मृत्यु मौत हो गई थी, और अब इनको यहाँ पे फांसी वैसे तो कह रहे हैं खाली, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये सिस्टम ने, इस सरकार ने, इन काले अंग्रेजा ने उस पर फांसी दे दी। और परिवार और गांव के लोग अब ये क्लियर कट कह रहे हैं, वो उन्होंने अपने उसमें लिख के जा रहा है, ये लेटर है, सुसाइड लेटर है उनका ये जो लिख के जा रहा है। और वो सीधी नु कहे भाई मेरे मरे पाछे भी मेरा दाह संस्कार मत कर दियो जब तक मांग नहीं मांग। तो इससे बड़ी कोई दर्दनाक कहानी नहीं हो सकती, ये रोहनाथ क्या गांव के लोगों की है, रोहनाथ गांव की है। और जो वेद प्रकाश जी जिनकी शहादत हुई है, उनके परिवार के भी साथ खड़े हैं और हम गांव के साथ खड़े हैं जी। हमारी जो आप जिस तरह की जब भी जिम्मेदारी लगाओगे वो लेकर हम तैयार हैं। और मैं तेन कहूँ ये मुख्यमंत्री साहब जन संवाद करते घूमे है, अपने एक दिन गाड़ी घोड़े ट्रैक्टर ट्रेली जो भी बस है उसके उसमें चलो प्रोग्राम में लेके उड़े चलो वे, आड़े कोई ना सुने मारे जाओ रुक, ना ये सुने ना कोई ये नेता सुने ना प्रशासन शासन। ये भी जब मुख्यमंत्री जन संवाद कर रहे हैं लोगों से, तरो ना ताला दबी कर ले एक दिन, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अड़े हो जावे एक जन संवाद, मुख्यमंत्री साहब तो सीआईडी वाले होंगे, अड़े भाई जाके कहो भाई एक बार जाके प्रशासन ने मुख्यमंत्री ने एमपी ने एमएलए ने जाके कहो एक बार एक जन संवाद उड़ा रोहनाथ गांव में भी आके कर लो, न्यू आदमी ने कत्ता ही मारोगे। तो जी हम आप लोगों के साथ है, और भगवान हम तेन कह उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को शक्ति दे, हम आप लोगों के साथ तन मन धन से साथ खड़े।
ये मेरा है बोला यू किसका है यू है तेरा भाई मामा यू किसका है यू है तेरा वो है जैसे जो भी डिसीजन लोगे हम आप लोगों के साथ